या नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। जैसे राहुल जी ने कहा, ये जो भर्ती विधान है, इसको बनाने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के ज़िले ज़िले में युवाओं से बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, आपके दुख क्या हैं, किस तरह से हम आपके लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से निकला हुआ जो सार था, जो मुद्दे थे, वो इस भर्ती विधान में है। इसे भर्ती विधान इसलिए कहलाया गया क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहाँ जहाँ हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। उन्होंने, वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियाँ नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएँ होती हैं, रोज़गार नहीं दिए जाते। कोई कहता है 25 लाख नौकरियाँ दिलवाएंगे, कोई कहता है 20 लाख, लेकिन उनको कभी ये नहीं समझाया जाता कि ये कैसे होगा, किस तरह से ये रोज़गार आपके लिए बनाए जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहा है कि जो नौजवानों की समस्याएं हैं, वो सब इसी भर्ती विधान में उनको सुलझाने का एक हमने खाका तैयार किया है। तो इसमें जिस तरह से, मैं इसके कुछ डिटेल्स आपको अब दूँगी, जिस तरह से रोज़गार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोज़गार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोज़गार जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोज़गार के विषय में और ख़ास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएँ होती हैं, उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएँ जो हैं, इनमें जो समस्याएँ आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से, इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से करेंगे। तो भरोसा जो टूट गया है नौजवानों का सरकार में और इस बात में कि उनको रोज़गार मिलेगा, उसको हम किस तरह से अब दोबारा निभा पाएं। इस विधान में भविष्य निर्माण के लिए, कि अगर कोई युवा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, छोटा मोटा काम करना चाहता है, उसको उसका कुछ कोई हुनर है, उसको कैसे हम बढ़ावा दें, उसको कैसे हम मदद करें, उसका समर्थन कैसे करें, वो भी इसमें एक अलग सेक्शन में है। एक और सेक्शन है भागीदारी। आपको मालूम होगा कि कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होते और पूरी तरह से जो भागीदारी है युवाओं की, वो नहीं हो रही है। तो इन सब को, बातों को एड्रेस करते हुए ये है, ये सेक्शन है। और एक आखिरी सेक्शन है जिसमें भलाई की बात की है, जिसमें हमने जो नौजवानों की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और जो रिक्रिएशन की समस्याएं हैं, उनको हमने एड्रेस किया है। इनके कुछ डिटेल मैं आपको देना चाह रही हूं। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ युवाओं की आकांक्षाओं का ये दस्तावेज है। इसमें हमने जैसे कहा कि 20 लाख सरकारी नौकरियां आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए हम दिलवाएंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।